हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज सोनिया कौशिक एंड वी आर डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम 11th बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स. एंड वी हैव डन प्रोटीन्स एंड टुडे वी विल डू वन इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड ऑन द प्रोटीन्स, दैट इज द अमीनो एसिड. स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू देर आर 20 अमीनो एसिड. मैंने आपको बताया था कि टोटल अमीनो एसिड कितने हैं, 20. आउट ऑफ 29 आर एसेंशियल अमीनो एसिड. 9 अमीनो एसिड उनमें से एसेंशियल है एंड अदर आर नॉन एसेंशियल. एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं स्टूडेंट? द अमीनो एसिड दैट आर नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी एंड दैट वी हैव टू टेक फ्रॉम अवर फूड आइटम्स या फूड सब्सटेंसेस से जो हमें लेने पड़ते हैं, प्रोटीन फूड सोर्सेज से. तो उन ऐसे अमीनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड. एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में बनते हैं, वी डोंट नीड टू टेक फ्रॉम एक्स्ट्रा एज अ फूड सप्लीमेंट. ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स. फिर मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स हैव सब सिंबल्स. ठीक है, तो दीज आर द लिस्ट ऑफ 20 अमीनो एसिड अलॉन्ग विद देयर 3-letter एंड 1-letter सिंबल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. तो स्टार्ट करते हैं सिंबल्स. सो फर्स्ट अमीनो एसिड इज एलानिन. एलानिन का 3-letter सिंबल इज ALA एंड 1-letter सिंबल इज A. फॉर वैलिन इट्स VAL 3-letter सिंबल एंड सिंगल लेटर सिंबल इज V. ल्यूसीन LEU, दिस इज 3-letter सिंबल, L इज सिंगल लेटर सिंबल. आइसोल्यूसीन ILE एंड I. प्रोलीन PRO 3-letter सिंबल, P इज फॉर सिंगल लेटर सिंबल. दिस इज इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट. देखिए फिनाइल एलानिन PHE. ठीक है, 3-letter सिंबल इज क्वाइट इजी टू रिकग्नाइज स्टूडेंट. लेकिन यहाँ देखिए प्रोलीन भी पी से स्टार्ट हो रहा है, फिनाइल एलानिन भी. लेकिन फिनाइल एलानिन का 1-letter सिंबल क्या है? एफ है. तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, जिनका डिफरेंट है वो आप ध्यान रखेंगे. जैसे एलानिन में ए है, अभी तक आइसोल्यूसिन में एल है, पी प्रोलीन में पी है. ये सब आपको लर्न करना ईजी रहेगा, लेकिन जो थोड़ा डिफरेंट है यू हैव टू एम्फेसाइज ऑन दैट अमीनो एसिड. तो देखिए फिनाइल एलानिन में 3-letter सिंबल PHE एंड 1-letter सिंबल इज एफ. तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान रखिएगा. देन ट्रिप्टोफैन 3-letter सिंबल TRP एंड सिंगल लेटर सिंबल इज W. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए टी भी हो सकता था लेकिन यहाँ W है. मिथियोनिन MET एंड दैट इज M. ठीक है, ग्लाइसिन GLY 1-letter सिंबल इज G. सीरीन SER S. थ्रियोनिन THR T. सिस्टीन CYS C सिंगल लेटर सिंबल. टायरोसिन TRY. और देखिए स्टूडेंट यहाँ अगेन T नहीं है, यहाँ क्या है? Y. देखिए ट्रिप्टोफैन भी T से स्टार्ट होता है लेकिन उसका सिंगल लेटर सिंबल इज W. एंड टायरोसिन भी T से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका सिंगल लेटर सिंबल इज Y. देन एस्पार्जिन उसका 3-letter सिंबल है ASM एंड अगेन इंपॉर्टेंट N इज सिंगल लेटर सिंबल. ग्लूटामिन GLN एंड KO इज सिंगल लेटर सिंबल, इंपॉर्टेंट. एस्पार्टिक एसिड ASP 3-letter सिंबल, D सिंगल लेटर सिंबल. तो स्टूडेंट्स इन सम टाइम इन नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सम टाइम इट इज आस्क्ड दैट विच वन इज द सिंगल लेटर सिंबल ऑफ दीज अमीनो एसिड. ऑलराइट, ग्लूटामिक एसिड दैट इज GLU एंड E इज द सिंबल, 1-letter सिंबल. लाइसिन LYS K, वेरी इंपॉर्टेंट K सिंबल. देखिए ल्यूसीन में बात करें तो ल्यूसीन का L है, ठीक है, वो L से स्टार्ट हो रहा है लेकिन लाइसिन भी L से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ सिंगल लेटर सिंबल इज Y. आर्जिनिन में R. ठीक है, देखिए एस्पार्टिक एसिड A से स्टार्ट हो रहा है, इसका D है, यहाँ आर्जिनिन का क्या है? R. हिस्टिडिन का H. दिस इज अब स्टूडेंट इनमें से कुछ और इंपॉर्टेंट. तो ये तो आपको करनी है, इनका 1-letter सिंबल और 3-letter सिंबल क्वाइट ईजी, लेकिन 2-letter सिंबल जो सिंगल लेटर सिंबल है ये थोड़ा आपको ध्यान से करना होगा. एसेंशियल अमीनो एसिड 9 है स्टूडेंट्स, उनको लर्न करने का एक तरीका है, एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं जो मैं खुद अपने टाइम में किया करती थी, दैट इज मैट विल फ्लाई. ऑलराइट, मैट विल फ्लाई. M इज मिथियोनिन. A इज एलानिन. T इज थ्रियोनिन. थ्रियोनिन अगेन वन मोर T इज देयर, ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन देखिए T से एक और हो सकता है स्टूडेंट टायरोसिन, लेकिन टायरोसिन नहीं होगा, टायरोसिन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, ये ध्यान रखेंगे. यहाँ जो 2 T हैं उसमें 1 T इज फॉर थ्रियोनिन एंड 1 T इज फॉर ट्रिप्टोफैन. V फॉर वैलिन, वी से वैलिन होगा. आई से आइसोल्यूसिन.
दिस एल इज फॉर ल्यूसीन, एफ फॉर हमने किया था फिनाइल एलानिन, देखिए फिनाइल एलानिन का सिंबल क्या है, एफ, तो एफ यहाँ किसके लिए है, फिनाइल एलानिन, ठीक है। और एल वाई, एल वाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा लाइसिन, वैसे लाइसिन का स्टूडेंट लाइसिन का के होता है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ खुद याद रखेंगे एल वाई हम यहाँ लाइसिन के लिए दे रहे हैं। तो मैट विल फ्लाई, अगर आप ये एक जो है एक सेंटेंस लर्न करते हैं तो आप इजीली 9 एसेंशियल अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड आउट ऑफ द 4 अमीनो एसिड विच वन इज एसेंशियल अमीनो एसिड, ऑलराइट, इन दैट टाइम यू कैन यूज दिस ट्रिक टू रिमेंबर द अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनको छोड़ के बाकी जो अमीनो एसिड होंगे वो क्या होंगे, नॉन एसेंशियल होंगे। और 2 अमीनो एसिड मैंने आपको बताया था, हिस्टिडीन एंड एस्पार्जिन, दैट इज सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है दे आर एसेंशियल इन इन्फेंट स्टेज बट नॉट एसेंशियल लेटर ऑन इन अवर लाइफ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं स्टूडेंट, जैसे मिथियोनिन है, मिथियोनिन का क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन सा है, एक मिथियोनिन है और एक सिस्टीन, सिस्टीन भी सल्फर कंटेनिंग है स्टूडेंट, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। मिथियोनिन इज यूज फॉर मिथाइलेशन, अब ये मिथाइलेशन क्या है स्टूडेंट, आपको पता है अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, जब डीएनए स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो जाता है स्टूडेंट तो मिथाइलेशन हो जाती है, मिथाइलेशन इज द यू कैन से प्रूव दैट दिस स्ट्रैंड हैज बीन अंडरगोन रेप्लिकेशन, इसका हो चुका है, ताकि रिपीटेड रेप्लिकेशन उस स्ट्रैंड की ना हो, तो मिथाइलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मिथाइलेशन में भी मिथियोनिन हेल्प कर रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है स्टूडेंट, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो हमारे पास 3 अमीनो एसिड हैं जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वन मोर इज देयर फिनाइल एलानिन, तो ध्यान रखेंगे फिनाइल एलानिन, ठीक है। टायरोसिन इज नॉट एसेंशियल, ठीक है, बट इट इज एरोमेटिक। मोस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सबसे सिंपल अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन, ध्यान रखेंगे ग्लाइसिन, क्यों ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था अमीनो एसिड का, कायरल कार्बन या अल्फा कार्बन, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, यहाँ एमाइड ग्रुप लगा है, यहाँ आर ग्रुप है और यहाँ क्या है एच। अब ये आर ग्रुप वेरी करता है, इन 20 अमीनो एसिड्स के अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर, सिर्फ ये क्या होगा, आर वेरिएबल होगा, आर हमेशा चेंज होगा। तो स्टूडेंट ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन अमीनो एसिड जो है इसमें आर इज इक्वल टू एच, यहाँ पे आर की जगह कौन सा ग्रुप है, एच, तो मोस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। और यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि इसके चारों तरफ ग्रुप डिफरेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, कई बार पूछते हैं 2 एसिमेट्रिक कार्बन किसमें है, तो दैट इज थ्रियोनिन, 2 एसिमेट्रिक कार्बन थ्रियोनिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। एंड अगर हम बात करें एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन, ठीक है, ये बेसिक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, दीज आर एसिडिक अमीनो एसिड, ये एसिडिक अमीनो एसिड है, ऑलराइट। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमने बताया आपको हिस्टिडीन आर्जिनिन, ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर एक स्पेशल तरह का रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ बेंजीन रिंग है तो हमने एरोमेटिक अमीनो एसिड कहा, तो यहाँ पे आइमेडोजोल रिंग जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप डायग्राम अगर उसका देखें, स्ट्रक्चर अगर देखें, तो दैट रिंग इज कॉल्ड आइमेडोजोल रिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट्स एलानिन में भी, ग्लाइसिन के बाद सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें सिंपल अमीनो एसिड अगर सेकंड नंबर पे, तो वो एलानिन है, क्योंकि यहाँ पे आर की जो फंक्शनल ग्रुप है आर, दैट इज CH3, ठीक है, CH3 है। सो दिस, ऑल दिस इज अबाउट द 3 लेटर एंड 1 लेटर सिंबल्स, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट द सिंबल्स दैट आर नॉट रिजेम्बलिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द अमीनो एसिड, ठीक है। एक और चीज आप अमीनो एसिड की कर सकते हैं, अमीनो एसिड से रिलेटेड एक और फॉर्म, ज्विटर आयन फॉर्म, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ज्विटर आयन फॉर्म क्या है, ज्विटर आयन फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, देखिए ज्विटर आयन फॉर्म इज द फॉर्म, देखिए अगर हम एसिडिक अमीनो एसिड की बात करते हैं तो दैट हैव अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उस वहां पे एसिडिक अमीनो एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, तो वहां पे नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा। और बेसिक अमीनो एसिड में
जो अमाइड ग्रुप है, एनएच टू ग्रुप है, अमीनो ग्रुप, वो दो होंगे, तो दैट्स वाई वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है होगा. तो ज्विटर आयन फॉर्म वो है स्टूडेंट जहाँ पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाता है. एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे अमीनो एसिड फिर मूव नहीं करते हैं, ठीक है, मूव नहीं करेंगे. जेल में अगर हम इसको मूव करें, अगर हम जैसे फेज जो है PAGE पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोटीन्स के लिए की जाती है, या अगर हम रामचंद्रन प्लॉट के अंदर देखें तो वहाँ अमीनो एसिड्स की जो है मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, ठीक है, तो वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज रिलेटेड टू दैट. तो अगर हम ज्विटर आयन फॉर्म की बात करें स्टूडेंट, ज्विटर आयन फॉर्म की देखिए, चलिए यही बात करते हैं. ज्विटर आयन फॉर्म की अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड्स में जनरली क्या होता है, देखिए वन कार्बन इज देयर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए R ग्रुप है, यहाँ H है, और यहाँ क्या है NH2, NH2 है, राइट. और अगर ये H यहाँ से निकल करके और इधर ही चला जाए तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ H है, यहाँ R है, COO नेगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा. दिस आयनिक फॉर्म, ये वैसे इंटर कन्वर्टेबल है, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन फॉर्म, ठीक है. जब COOH का H जो है मूव कर जाएगा NH2 के पास, यहाँ NH3 हो जाएगा और यहाँ CO, तो इस फॉर्म को ज्विटर आयन फॉर्म कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट. सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव कवर्ड द 3-letter symbol, 1-letter symbol एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द अमीनो एसिड. वन मोर इज द ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, यस, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सिन प्लांट के अंदर. ऑक्सिन क्या है स्टूडेंट, फाइटो हार्मोन. तो समटाइम क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हिच अमीनो एसिड इज यूज्ड इन फाइटो हार्मोन, तो IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो ऑक्सिन की फॉर्म है, सो उसके अंदर ट्रिप्टोफैन यूज होता है, वहाँ जिंक भी कहीं ना कहीं इसकी फॉर्मेशन के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द अमीनो एसिड्स एंड देयर सिंबल. आई होप यू लाइक द वीडियो. Please hit the like button if you like this video. Okay. Bye-bye.